हाय गैस, कैसे हो आप सब? आप सब उम्मीद करती हो अच्छे हो। मैं हम लोग भी अच्छी हूँ, लेकिन अभी बज चुके हैं 8:30। अभी भी हमारे इधर करंट नहीं है। कल 6:30 बजे शाम पे करंट गया, अभी तक करंट नहीं है क्योंकि बहुत जोर से इधर जो होता है अंधी हुआ, एंड उसका साइड इफेक्ट से अभी भी करंट नहीं है, पानी नहीं है। बहुत भी हम लोगों का हालत बुरा है क्योंकि पानी नहीं है। समझ सकते हो, पानी नहीं होता है तो सब काम बर्बाद हो जाता है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है अभी। और सरकार से मैसेज भी आया 2-3 घंटे के अंदर और भी जोर से आंधी आएगा, तो सावधान रहने के लिए। तो ये है हमारे बेल्कनी का हाल। कल का जब जो तंडव हुआ उसका रिएक्शन ऐसा हुआ, मेरे ये पौधा भी ये हो गया, आप देख सकते हो। ये बेल्कनी का हालत भी सेम है और भी बुरा है, पूरा बालू हो गया क्योंकि इधर बालू है, इसीलिए जितना जोर से तेज से स्ट्रांग हुआ पूरा घर बालू हो गया। हाय गाइस, आज दिन की शुरुआत हुई डस्टिंग के साथ और आदि भी लग गया हमारे साथ डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि कल हमारे पूरा राजस्थान में जो तंडव हुआ उसके बाद फिलहाल सब घर में ही सेम हालत हुआ होगा। तो आज इसके लिए सुबह से ही हम लोग डस्टिंग करने लग गए, माँ और बेटा। तो आदि का डस्टिंग हो गया, आदि कपड़े धो के सुखाने के लिए बेल्कनी में चला गया, और अभी हम लोग मैं बेल्कनी में आई और देखा, अब देख सकते हो कितना बालू हो गया, पूरा बेल्कनी बालू ही बालू हो गया। तो मेरे देख के आदि को भी मन किया कि झाड़ू देने के लिए, तो कुछ टाइम उसका मन रखना ही पड़ता है, इसलिए उसका कुछ टाइम दे के मैं पानी लेके आया। तो आप सोच सकते हो पानी किधर है, पानी तो नहीं बोला मैंने, लेकिन ये जो एसी का जो बाहर आउटडोर यूनिट में पानी टपकता है, मैं ये पानी स्टोरेज करके रखती हूँ। तो देखते देखते 9:30 बज गया, आदि अभी ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद मैं डिसाइड करी कि आज मैं क्या ब्रेकफास्ट करेगी। दीदी इधर क्या कुछ मेरे साथ बात कर रही थी, तो पता नहीं क्या बोल रही थी मैं, और बाहर मौसम देख रही कि अभी बारिश होगा कि नहीं होगा। तो देख सकते हो कैसे अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा हो गया, और थोड़ा सा भी हवा नहीं चल रहा है, अभी इतना अंधेरा हो गया। कल इतना जोर से अंधी हुआ, तो देख सकते हो उधर एक टीम किसी घर से खोल के आ गया, पूरा अंधेरा हो गया। दूर से वो जो पर्वत है ना, आरावली पर्वत, देख सकते हो आप, दिखा रहा है अभी। आदि, हाँ आदि भी रेडी हो गया है नहाने के लिए। आ आ मत जो गंदा। चान कर तो रेडी। यस यस कर दो। आज बेचारा ये दोनों का मूड ऑफ है, क्योंकि सुबह से वो बेल्कनी में एक बार भी नहीं गई, इसीलिए दोनों का ही मूड ऑफ है, चुपचाप शांत होके बैठ रहा है। और ये सब देख के आदि भी आज उसको नहीं चिढ़ाया, इसलिए वो भी सोच रहा है क्या हुआ। आदि आज आ रहा है जा रहा है लेकिन मुझे कुछ करने ही कर रहा है, क्या हुआ। जब भी मैं ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती हूँ ना, तभी मैं गाना गाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ है कि गाना गाने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फीलिंग्स होता है, इसलिए मैं गाना गाने शुरू कर दी। और हाँ, हमारे किचन के जो बेल्कनी है वो बेल्कनी का दरवाजा बार बार बंद कर रहा है, खोल रहा है, और अचानक 2-3 बार उसका हाथ में लग गया, इसलिए बार बार मैं मना कर रही हूँ, बार बार वो ऐसा कम कर रही है, तो कुछ समय डांटना पड़ता ही है, लेकिन मन भी नहीं करता है डांटने के लिए, लेकिन क्या करेगी। तो
तो अभी वो मुझे ब्रेकफास्ट खिला रही है, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि मम्मी मुझे खिलाते हैं तो मम्मी को खिलाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी खुद से नहीं खा पाते हैं, इसीलिए कभी कभी उसको पसंद से मैं काम करने देती हूँ उसको। और इस यहाँ पे जितना टाइम हो सकता है उसको फ़ोन में मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फ़ोन उसका जो इफेक्ट होता है रेप प्लस एडिक्शन दोनों ही खराब है उसके लिए, कोई भी किसी के लिए ही खराब है। फाइव सेवन गुड जॉब। तो आज कारण नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए पानी भी नहीं है, पर हमारा बहुत सिंपल से खाना बन रहा है और आधे चिड़चिड़ा हो गया किसी इसीलिए कि उसका नहाने का टाइम हो गया, अभी तक नहीं नहाने मैं नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि कारण नहीं है, इसलिए जितना देर कर सकती हूँ उतना उसके लिए अच्छा है। और आज हमारे हो रहा है चिकन करी एंड प्लेन दाल, ये चिकन करी आलू एंड यहाँ पे हो गया दाल मसूर दाल। और आदि से हाय किसीन ना 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 बोलो পরিষ্কার করে যে চিকেন মানে আদা না বলো চিকেন আগে বলো দিতে খাচ্ছি বলো চিকেন বলো না বলো চিকেন চিকেন পরিষ্কার করে বলো आदि को ना मेरे जैसे एक आदत बन गया है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना वो ऐसे आके वाव वाव करते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा चखने देना पड़ेगा, वो उसको ये बहुत ही पसंद है कि थोड़ा सा चख के देखता है टेस्ट कैसे हुआ। और अब खाना बन ही गया है, अभी मैं और आदि थोड़ा सा मौसम्बी का जूस पिएगी, और आदि ना ये मौसम्बी का जूस थोड़ा सा चाट मसाला और नमक के साथ बहुत पसंद करते हैं। आदि ऐसे उसका कोई खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ खाना खा लेता है, वो बचपन से जब से वो सॉलिड स्टार्ट किया ना मैं उसको सभी खाने ट्राई किया प्रैक्टिस किया खिलाने के लिए, तो इसीलिए वो अभी सब कुछ खा लेता है, उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ खाने में टेस्ट सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं खाएगा। बचपन से वो जब भी कोई खाना खाता है ना उसको खाने से पहले मैं टेस्ट करके पहले देखती हूँ कि खाना सब कुछ ठीक ठाक है बराबर है कि नहीं, नहीं तो वो नहीं खाएगा। जस्ट करंट आया, हमारा इन्वर्टर भी खत्म हो गया था, मैं आदि का एक भूख लेके हवा कर रही थी। तो आज मैं पहले लंच कर लेती हूँ क्योंकि उसका एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन लेने का 15 मिनट्स का बाद वो लंच कर सकते हैं, इसीलिए मैं आज पहले लंच कर लेती हूँ। और मेरा जो प्लेट है प्लेट से उसका खाना स्टार्ट कर दिया आदि, तो इसीलिए मैं मेरे प्लेट के थोड़ा सा एक सूखा भात और वो चिकन आलू ऐसे को देती हूँ, वो खुद से ही खा लेता है, क्योंकि मैं जो हाथ से खाती हूँ ना वो उसको वो हाथ से खिलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा सा हाइजीन की बात है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो आदि का भी लंच आ गया है एंड लंच करने के बाद दोनों ही एक्सरसाइज हो जाएगा। तो यही था आज का ब्लॉग,